ये हमने लिया है बटर चिकन और ये लिया है शाही पनीर। तो अब हम जो है वाइल्ड क्रिस्ट की टॉप फ्लोर पर आ चुके हैं। ये देखिए सामने ये सब, ये नैनीताल के पहाड़ हैं ये सब। ये व्यू जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, बहुत ही खूबसूरत व्यू है इस वक्त देखिए। तो भाई अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, नहा कर जो है निबट चुके हैं और अब नहाने के बाद हम जा रहे हैं खाना खाने। क्या कर रहा हो भाई? सर हमने चिकन ऑर्डर किया है, बटर चिकन है यहाँ पर, नॉन वेज में पांच डिश। अच्छा, वेज में जो पांच डिश है, अच्छा, इसमें दाल आ जाएगी और सब्जी में आपकी आलू गोभी आ जाएगी। अच्छा, पनीर की सब्जी है, एक मटर की सब्जी है। एक तरह का ऑर्डर किया, हमने हम पनीर लाए थे और हमने बटर चिकन ऑर्डर किया है। अच्छा, और उसके साथ मतलब बटर चिकन जो चिकन है नॉन वेज है वो अलग से लेना पड़ेगा। हाँ जी, अलग से ऑर्डर किया हमने, उसके साथ बटर नान। तो ये हलाल है? हाँ जी हलाल होता है। तो जैसा भाई ने बताया जो चिकन है वो यहाँ का हलाल है, तो अब जो है ट्राई करते हैं किस तरह सब चीज़ है। ये हमने लिया है बटर चिकन और ये लिया है शाही पनीर। तो मैं एक एक करके दोनों चीज़ें टेस्ट करके दिखा देता हूँ, रिव्यू इसका दे देते हैं। शाही पनीर भी बढ़िया है एकदम। शाही पनीर अब एक बार जो है बटर चिकन जो है वो टेस्ट करा के दिखा देता हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त है, उमदा, लाजवाब। तो भाई अब लेने जा रहे हैं कस्टर्ड। लास्ट में हमने जो है मीठे में लिया है कस्टर्ड, तो इसका एक स्पून मैं चेक करके बताता हूँ क्या था है। करीम पे बैठे हुए ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया, आला, एक नंबर। तो भाई खाना वगैरह खा के अभी अंदर से निकल चुके हैं, यहाँ से निकले हैं और आओ अब मैं जो हूँ थोड़ा बहुत आपको दिखा देता हूँ अंदर से वाइल्ड क्रिस्ट। और हमारे माज भाई ने भी नहीं देखा तो इनको भी हाथों हाथ दिखा देंगे, आइए देखते मजा आएगा। तो मैं जो हूँ लास्ट ईयर आया था तो हमारा तो देखा हुआ है, और लास्ट ईयर जो आए थे हम तो हम जो रुके थे वो उधर की साइड रुके थे जहाँ पे मैं अभी लेकर जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा अभी। यहाँ पे भाई का हमारे तगड़ा शूट चल रहा है एकदम, यासर भाई का। यासर भाई, भाई ये रहा यहाँ से व्यू, यहाँ से लेकर लास्ट तक सब ये ट्रीज हैं और इनकी बहुत ही शानदार तरीके से कटिंग हुई हुई है। और अंदर जो है वो गार्डन टाइप है, टेबल वगैरह पड़ी हुई है यहाँ पर। तो शाम को स्नैक्स वगैरह जो होते हैं वो सब यहीं पे खाए जाते हैं, इसी डाइनिंग पर। हाँ, ये स्नैक्स डाइनिंग एरिया है, बाकी जो है हम इसका पूरा जो है शाम को दिखा देंगे आपको। सामने से धूप पड़ रही है लेकिन वीडियो बहुत तगड़ी आ रही है, वीडियो क्वालिटी, फ़ोटो क्वालिटी भी बहुत शानदार आई है। अभी फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाएंगे अभी। और ये जो है भाई सामने ये भी गार्डन है, ये भी बहुत शानदार गार्डन है, अंदर से एक अलग से मतलब इसका पोर्शन ले रखा है बीच में। और ये सब जितने भी आपको बिल्डिंग्स वगैरह दिख रही हैं, ये छोटी छोटी एक फ्लैट टाइप अपार्टमेंट, तो ये जो है ये भी रूम्स हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरह से पूरा मतलब एक, इन रूम्स का नाम स्वैन है। तो हम जो है लास्ट ईयर जो आए थे तो हम लोग इसी में रुके थे, पर इस बार हमें जो है ये मिल नहीं पाया क्योंकि ये सब फुल हैं अभी। तो कोई नहीं, फिर कभी दोबारा देख लेंगे। और बाकी जो है यहाँ का व्यू जो रात को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता, बहुत ही शानदार आता, तो वो जो व्यू है मैं आपको आगे दिखाऊँगा। तो भाई अभी हम दोबारा जो है गए थे स्विमिंग पूल में, नहा आकर दोबारा आ चुके हैं और अब जो है जा रहे हैं, हमारा जो रूम है वो सेकंड फ्लोर पे है फिलहाल, लेकिन हम तीसरी फ्लोर पे जा रहे हैं देखने की नज़ारा कैसा है। ठीक है सर भाई? बिल्कुल ठीक है सर। इस ऊपर नहीं है, तीसरी फ्लोर ही टॉप फ्लोर है, इससे ऊपर फ्लोर होगी लेकिन वो शायद जीने से होगी फ्लोर।
यहाँ से अब सब लोग जो है, शाम का टाइम है, रौनक और बढ़ चुकी है स्विमिंग पूल के, सब लोग आ चुके हैं। जितने भी लोग रिजोर्ट में थे ज़्यादातर लोग सब स्विमिंग पूल में आ चुके हैं, और हम लोग भी अभी मतलब वहीं से आ रहे हैं नहा आकर। तो भाई अब हम जो है वाइल्ड क्रिस्ट की टॉप फ्लोर पर आ चुके हैं, हम जो है वाइल्ड क्रिस्ट के अब टेरिस पर हैं, जहाँ से नज़ारा बहुत ही ज़्यादा प्यारा और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। मैं टेरिस से आपको व्यू दिखा रहा हूँ पूरा। माशाल्लाह भाई ये देखिए सामने ये सब, ये नैनीताल के पहाड़ हैं ये सब, और ये पूरा का पूरा वाइल्ड क्रिस्ट है वहाँ लास्ट तक। ये सब इसके ही स्वैन है, स्वैन रूम सब ये, और जिस फ्लोर पे मैं आया हुआ हूँ टॉप फ्लोर पे, उसी की सेकंड फ्लोर पे हमारा रूम है। ये जो है ये डाइनिंग सेक्शन है, यहाँ पर ही हमने खाना वगैरह खाया है। ये जो व्यू है ना, बिल्कुल दिल को छूने वाला व्यू है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर व्यू लग रहा है। ये जा रही है रामनगर में जो सबसे ज़्यादा चलती हैं जीप, जो कि कराती हैं रामनगर में सफारी, जंगल सफारी वगैरह कराती हैं, जिसमें ये पूरा जो है रामनगर के मेन एरिया जो हैं उनको कवर करते हैं, पूरा व्यू वगैरह दिखाते हैं। और ये देखिए इसमें हवा भरी जा रही है एयर बलून में। यासर भाई, यासर भाई जी, हैव अ लुक। उसका लुक क्यों बनाए हुए हैं गब्बर ने जिसको मारा था, ठाकुर जिसके टांग हाथ काटे थे, हाँ ठाकुर, ठाकुर का लुक क्यों बनाए हुए हैं? ठंड लग रही है, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है भाई। इतनी तो ठंड नहीं है यार भाई, हम भी तो देखो ऐसे फिर हमारे बाल गीले हैं, हम गीले हो रहे हैं पूरे, हम तो जैसे भाई साहब सूखे हैं, देखिए बिल्कुल गीले हो रहा है हमारा। टी शर्ट भी दिखाई आप अपने, माशाल्लाह। बाकी एक नज़र मैं आपको उधर की दिखाता हूँ, माशाल्लाह भाई ये अब उड़ने की तैयारी पर है बिल्कुल, जो मैंने अभी दिखाया था ये अब बिल्कुल उड़ने की तैयारी पर है, अभी ये फ्लोर पर ही जो है थोड़ा बहुत घूम रहा है। और ये वीडियो बनाते बनाते अभी मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत ही तगड़ा असला रखा हुआ है। ये क्या है? बहुत ही शानदार असला रखा हुआ है यहाँ। मैंने भाई आपको चाहिए क्या ये असला? अल्लाह तो आपको चाहिए? नहीं भाई, अल्लाह ये देखो भाई, ये जो है अब ये उड़ना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ये अभी रस्सी से बना हुआ है, शायद ये इतना ही उड़ेगा जहाँ तक रस्सी जा सकती है। थोड़ा सा ये रिस्की ज़रूर है, लेकिन यहाँ से जो व्यू आगा ना पूरे रामनगर का, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़बरदस्त। भाई ये उड़ के जो है यहाँ तक आ चुका है, और अभी और जो है इसमें साथ में इनके ड्रोन भी उड़ रहा है, ये जो है साथ में, हाँ मैं कह रहा था ना कि ये जो है इतना ही उड़ेगा लगभग, थोड़ा बहुत जहाँ तक जो है रस्सी जा सकती है। अब ये जो है इसको नीचे उतार रहे हैं धीरे धीरे करके। तो चलो भाई खैर, अब चलते हैं अपने रूम में वापसी। हाँ इधर से चल रहा हूँ। जुनेद भाई आपने देखा वो मंजर? हाँ देखा, बहुत प्यारा लगा, बहुत प्यारा लगा। तो चल रहा है बैलून में? चल रहा है, हमारी कॉस्ट से बाहर है फिलहाल अभी तो, उसकी कॉस्ट जो है इस टाइम 22,000 रुपए है। कौन कह रहा 22,000? पांच लोगों की, मुझे लग रहा है कि 4,000 से 5,000 रुपए की तक में रेंज होगा वो, 4,000 ना। अच्छा अच्छा, और ये यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारे फूल लगे हुए हैं, एक खूबसूरत फूलों का पेड़ ये रहा, बहुत ही प्यारे। तो भाई हम आ चुके थे रूम में छत पे से, फिर अब जो है हम लोग कपड़े वगैरह चेंज करके हम जा रहे हैं नीचे इवनिंग स्नैक लेने, यानी कि चाय वगैरह पीने, अपनी लैंग्वेज में मुरादाबादी, हाँ चाय वगैरह लेने जा रहे हैं। साथ में यासर भाई हैं, यासर भाई बस चलें, बहुत तेज भूख लग रही है, अब चलो लोग लोग चलो। चाबी कहाँ है? चाबी किधर है इसकी? चलिए जी चलते हैं। यासर भाई को भी हमारे चक्कर में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, बड़ा इंतज़ार करना पड़ता है, नाश्ते के लिए देरी हो रही, भूख लग रही है यासर भाई।
चलो भी चलते हैं जल्दी से। आप नाश्ता नहीं निकलेगा इस बात की आप बेफिक्र। इस बात की क्या गारंटी है, यहाँ पर मम्मी थोड़ी है जो बना के दे देंगी, थोड़ी है जो बना के दे देंगी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, तुम्हारा भाई है तो यो थारा भाई जोगिंदर आई नहीं अभी तक। हाँ भाई, तो भाई अब आ चुके हैं हम यहाँ पर। क्या हुआ, आपने ले लिए इवनिंग स्नैक्स? क्या लिया आपने इवनिंग स्नैक्स में? अच्छा, और मैगी खाई। तो हम लेट हो गए यानी? ना ना, बाद में होगी बात, हम नहीं, हम पहले लेकर आते हैं। मेरे लिए भी निकाल दो। शुक्रिया, देख रहे हैं मोहब्बत। मैं निकाल दूंगा। हमने जो इवनिंग स्नैक्स में लिए हैं मैगी और वेज पकौड़े, मतलब मिक्स वेज पकौड़े हैं इसमें, सभी तरह के प्याज के, आलू के और ये गोभी वगैरह के, साथ में दोनों तरह के सॉसेस हैं। और दो ऑप्शन हमारे पास हैं, चाय में और कॉफ़ी में, तो हमने चाय मंगाई है। चाय जो है माज भाई लेकर आ रहे हैं, ये आ गए माज भाई लेकर। इवनिंग मील, पहली मैगी थी और दूसरा जो है हमने मंगाया था मिक्स वेज पकौड़ी। दोबारा जाके ले आते, ये भी बेहतरीन है, उम्दा। बाकी हमारे पास जो ऑप्शन है वो है बताशे हुआ पानी, बताशे हुआ यानी कि पानी पूरी, तो उसमें दोनों अवेलेबल हैं, सूजी के भी और आटे के भी। तो भाई अब जो है शाम हो चुकी है, मगरिब के बाद का ये टाइम है और यहाँ का व्यू क्योंकि और भी ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो चुका है। जैसा कि मैंने कहा था कि मगरिब के बाद जो है व्यू और भी ज़्यादा खूबसूरत और प्यारा हो जाएगा, तो ये व्यू जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, बहुत ही खूबसूरत व्यू है इस वक्त, देखिए। ये जो सेकंड फ्लोर है, इस फ्लोर पर हम रुके हैं और ये सामने जो है ये मेन एंट्रेंस है जहाँ से हमने एंट्री की थी, और ये जहाँ पर मैंने अभी आपको दिखाया है, जहाँ पर अंदर जो है लंच और डिनर वगैरह होता है। तो भाई ये यहाँ का जो है बहुत ही खूबसूरत और प्यारा नज़ारा है, और ये स्विमिंग पूल है जिसमें रात के टाइम में जो है लाइट्स वगैरह ऑन हो जाती हैं। कल मैंने ये सब चीज़ें आपको जो है वो सामने से दिखा दी थी, पर मैंने सोचा एक बार जो है इस व्यू से भी दिखा दिया जाए। खैर अभी तो फ़िलहाल मैं अपने कमरे में आया हुआ हूँ क्योंकि मगरिब का टाइम हो रहा है, तो अब मैं जो है मगरिब की नमाज़ पढ़ लेता हूँ। तो हमारे जो और दोस्त हैं वो सब बाकी बाहर गए हैं थोड़ा इन्जॉयमेंट लेने, थोड़ा रिफ़्रेशमेंट लेने, क्योंकि पूरे दिन से यहीं पे पड़े हुए थे सब स्विमिंग पूल वगैरह में। तो अब ये सब लोग तो बाहर गए हैं और मैं जो हूँ यहीं पर ही हूँ, तो थोड़ी देर रुक के मैं भी यहाँ पे ज़रा मगरिब की नमाज़ पढ़कर मैं भी चला जाऊँगा बाहर, और फिर आपसे मिलते हैं शायद डिनर के टाइम पर, डिनर वगैरह कर फिर पूरा जो हम रात को भी यहीं पे रुकने वाले हैं, तो पूरा जो है आपके साथ कवर करेंगे। आखिर तक जुड़े रहिए, और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा ना तो लाइक कर दो यार, क्या कर रहा हो अभी तक। तो भाई अब नमाज़ वगैरह पढ़ ली है और थोड़ा बहुत रेस्ट वगैरह भी कर लिया है, तो अब जो है मैं जा रहा हूँ बाहर, थोड़ा बहुत देखते हैं बाहर क्या रहता है, दोस्तों में जा रहे हैं तो चलें चलते हैं। तो भाई अभी हम लोग आ चुके हैं बाहर, और हमारे साथ जो हैं ये हमारे एक भाई, क्या यूपी गई हैं संभल से, क्या नाम है आपका? यासर अली। हाँ, तो ये यहीं पर ही, इन्होंने ये भी रिसोर्ट में रुके थे, तो इनसे भी मुलाकात हो गई। और अभी मैं जो हूँ बाहर फिलहाल अपने और दोस्त ढूंढ रहा हूँ, वो बैठे हैं वहाँ पर। यहाँ क्या कर रहा हो वैसे तुम लोग? देख लो ये व्लॉग, तुम्हारी मम्मी भी देख सकती है। आंटी लड़का हाथ से निकल गया।
भाई ने बनाई है कॉफी दोबारा, माज भाई ने। इसे टेस्ट करके देखते हैं। इसमें जो है ना तुमने वो ज्यादा कर दिया कॉफी, मसाला जो है कॉफी का वो ज्यादा कर दिया। मतलब कॉफी होता ना, इनके अंदर कॉफी होता है कॉफी। अब ये कॉफी माज भाई आप दुकान खोल लीजिए, बक मत कीजिए कुछ। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मत करो। आप देखो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है वो चाय वाले हैं, तो अगले प्रधानमंत्री कॉफी वाला हो जाएगा। क्या बात है, ओह माय गॉड, ये आपकी बात बड़ी दोस्ती। भाई बाहर से आ चुके थे अंदर रूम में और अब जो है रूम से जा रहे हैं खाना खाने, क्योंकि लगभग अब बज रहे हैं 9:30 बज गए। अबे 10:30 बजा रही, 9:30 बज रहे हैं अभी। और अब हम जा रहे हैं खाना खाने, और हम जा रहे हैं अब लिफ्ट से नीचे। कैसे तो भाई डिनर में हमने लिया है, डिनर में हमने जैसे अभी फिलहाल स्टार्टिंग तो वेज से करी है, जिसमें दाल मखनी ली है, पास्ता लिया है, दो बटर नान लिए। डेजर्ट में हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है शाही टुकड़ा और दूसरा है आइसक्रीम। तो भाई खाना वगैरह खाकर अब हम आ चुके हैं गार्डन में। गार्डन में जो है झूला वगैरह झूल रहे हैं, ये रहा झूला, इस वाले झूले पे झूला झूल रहे हैं, और खाना हमने खा लिया है। लेकिन अब जो है डिनर जो है हमें उसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आया, क्योंकि मेन कोर्स में ज़्यादा मज़ा नहीं आया, नॉन वेज ज़्यादा अच्छा नहीं था, ठीक था मगर अच्छा नहीं लगा ज़्यादा सबको, मुझे नहीं सारे दोस्तों को ही बस ठीक ठाक लगा। और डेजर्ट जो था वो बहुत तगड़ा था, वो उसमें तो 10/10 देंगे, उसमें शाही टुकड़ा था प्लस एक आइसक्रीम थी, तो आइसक्रीम तो बहुत ही बढ़िया है, और शाही टुकड़ा उसको 10/10 देंगे, क्योंकि वो शाही टुकड़ा तो शाही की तरह ही बना हुआ था, बहुत ज़बरदस्त था। बाकी फिर मिलेंगे आपसे सुबह ही, सुबह को स्विमिंग पूल में दोबारा जाएंगे और आग लगा देंगे। सुबह जो है स्विमिंग पूल में नहाना ज़रूरी क्यों है, एक तो ज़रूरी यही है क्योंकि भाई आग लगानी है, और दूसरा ज़रूरी है कि हमारे फ़ोटो जो है वो सही से क्लिक नहीं हुए स्विमिंग पूल में, कुछ ही क्लिक हुए थे, क्योंकि हमने नहाने पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, हमने मस्ती वगैरह बहुत करी, लेकिन अब जो है सुबह को नहाना तो है ही, मस्ती तो करनी है, लेकिन फ़ोटो वगैरह भी क्लिक कराने हैं, फ़ोटो वगैरह और वीडियो वगैरह अपनी जो है वो क्लिक करानी है, तो इसलिए। तो भाई हमारी मॉर्निंग जो है वो अब गुड हुई है, अब हम सोकर उठे हैं, मतलब रात हम लोगों ने सोचा था कि भाई सुबह 7 बजे उठेंगे और जाते ही उठते के साथ ही जो है नहाने चले जाएंगे और फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर जो है देखेंगे घर के लिए, और अब उठे ही 10 बजे, अब उठकर जो है हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, और हो सकता है उसके बाद थोड़ा बहुत नहाए फिर घर पर जाएँ। भाई ब्रेकफास्ट करने आ चुके हैं, ब्रेकफास्ट में जो है मैंने लिया है एक ब्रेड, एक सैंडविच, दो बॉयल्ड एग लिए हैं, और लिए थे हमने ऑमलेट्स, और ये ब्रेड भाई ने लिए हैं, ये ब्रेड पकोड़े, चाय माज ने जो है वो हाफ बॉयल लिया था। तो भाई मैं इस वक्त हूँ स्विमिंग पूल में, स्विमिंग पूल में बिल्कुल अकेला हूँ, क्योंकि इस वक्त कोई साथ में आया नहीं, सब के सब जो है रूम में अपनी पैकिंग वगैरह कर रहे हैं, मैं पैकिंग करके आ गया हूँ, तो भाई मैं हूँ अकेला स्विमिंग पूल में इस वक्त, अपना पूरा कब्जा है इस वक्त। अनस भाई जो है वो ये खड़े हैं साथ में, भाई ने अपनी फ़ोटो क्लिक कराए हैं। भाई यहाँ से चेकआउट करके जो है ना हमें डायरेक्ट घर जाना है, कुछ नहीं करना बिल्कुल, अब डायरेक्ट घर जाएंगे। तो जहाँ तक मैंने व्लॉग शेयर कर सकता था किया, अब जो है आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तो ये व्लॉग जो है ना वो रहेगा यहीं तक। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपने शुरू में कर दिया होगा, और अगर नहीं करा भूल गया तो आप कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।